बड़ी खबर जो इस वक्त की है लखनऊ से ही मिल रही है, अखिलेश यादव आज ही लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो देखिए अखिलेश यादव भी आज ही लखीमपुर खीरी जाएंगे, शाहजहांपुर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। चूंकि देखिए राजनीतिक दलों को अब लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत सरकार की तरफ से दे दी गई है। इस बीच अपडेट यह है कि अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाएंगे और आज ही लखीमपुर खीरी वो पहुंचेंगे। संजीव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव देखिए राजनीतिक दलों को अब इजाजत मिल गई है, अब अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में होंगे और उसके बाद लोगों के साथ वो लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। परसों अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास किया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था, सैकड़ों समर्थकों के साथ इको गार्डन ले जाया गया था और शाम को उनको रिहा करा गया। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़ी बैठक आला अफसरों के साथ राजधानी लखनऊ में उनके मुख्यमंत्री आवास पर होती है और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि राजनीतिक दलों के 5-5 लोग पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, बिल्कुल स्पष्ट है उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि सियासी बवाल को कम किया जाए और राजनीतिक जो विपक्षी दलों की पार्टी के नेता हैं वो चाहते हैं कि इस मामले को पूरी तरीके से भुलाया जाए। अब ये पूरा मामला सियासी हो चुका है, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष आमने सामने है और कहीं ना कहीं किसानों को बड़े वोटर बैंक के तौर पर देख रहे हैं। और संजीव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब एकजुट होकर सीधा सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस बसपा और सपा की विचारधारा लगभग एक है। भले ही वो अलग अलग चुनाव लड़ते हो लेकिन विचारधारा के रूप में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा लगभग एक जैसी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा एक जैसी है, उनका सपा के साथ गठबंधन भी है। इसके अलावा बसपा की विचारधारा भी सेकुलर है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल है उत्तर प्रदेश का जो सियासी महत्व है वो अलग है, उत्तर प्रदेश की जो सियासी फिजा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्रीय दल है पूरी तरीके से हावी है। आप देखिए यहाँ पर चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होना है, यानी कांग्रेस पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल संजीव बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। खबरों में